हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के दरमियान एक बेहतरीन टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस टॉपिक से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आता है, तब डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आज डिस्कस करेंगे, किस तरह से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया जाता है। तब वीडियो का लास्ट तक बने रहें। तो मैं स्टार्ट करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स, एक नंबर डिविजिबल बाई टू कब होगा? जब उसका लास्ट डिजिट 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं एक एग्जांपल लेंगे तब यहाँ से मैं समझ जाएंगे। तो ये नंबर इज डिविजिबल बाई टू, एक नंबर डिविजिबल बाई टू कब होगा? जब जिसका जो नंबर से डिवाइड करेंगे मैं, देखो अगर नंबर में इस तरह से लिखें, सपोज 110, और कैन आई राइट 256, और कैन आई राइट 768, देन कैन आई राइट 712। ये जो नंबर है ये टू से डिविजिबल है कि नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे? देखो यहाँ पे जो लिखा हूँ, कॉन्सेप्ट जो लिखा हूँ, अगर जिसका लास्ट डिजिट, ये जो नंबर दिया हूँ, जिसका लास्ट डिजिट 0 रहेगा व 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, तब टू से वो डिविजिबल होगा। मतलब यहाँ पे देखना, ये सब भी क्या होगा, इवन नंबर हो जाएगा। देखो ये टू से डिविजिबल होगा, ये पहला कॉन्सेप्ट था, ये टू से डिविजिबल होगा, ये सभी जो लिखा हूं मैं ये टू से डिविजिबल होगा। अभी सेकंड केस में क्या लिखा हूं, देखो तीन से डिविजिबल कब होगा? जब कोई एक नंबर मैं एज्यूम करता हूं, अगर कोई नंबर एज्यूम करेंगे उसका सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल होगा तब वो 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो इसको मैं किस तरह से लिखेंगे, देखो इसको ध्यान से, अगर मैं इसको इस तरह से लिखेंगे, सो कैन आई राइट, अगर मैं एक नंबर एज्यूम करेंगे 342, देखो इसको ध्यान से क्या लिखा हूँ, 342, मैं क्या बोला, इसका सम ऑफ द डिजिट क्या होगा? इसका सम ऑफ द डिजिट, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ द डिजिट क्या आएगा, सम ऑफ द डिजिट कितना लिख सकता हूँ मैं, सो कैन आई राइट 3 3 + 4 + 2, चले कितना आ जाएगा, ये 3 + 4 7, 7 + 2, सो इट बिकम्स 9। देखो 9 से ये 3 का मल्टीपल है, बट 9 इज डिविजिबल बाई 3, देखो ये 9 इज डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा। तो इसका सम ऑफ द डिजिट लेंगे, अगर मैं दूसरा नंबर एज्यूम करेंगे, सपोज कैन आई राइट 852, कैन आई राइट 852, देखो इसका सम ऑफ द डिजिट कितना आएगा, इसका सम ऑफ द डिजिट अगर मैं लिखेंगे, सम ऑफ द डिजिट 8 + 5 + 2, तो ले कितना आएगा, 8 + 5, सो इट बिकम्स 13, 13 + 2, सो इट बिकम्स हाउ मच, सो इट बिकम्स 15, सो इट बिकम्स 15। देखो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 3 का मल्टीपल 15 है, वह 15 इज डिविजिबल बाई 3। अभी मुझे चेक करना है एक नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा, जब उसका लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 होगा। लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 होगा, तब मैं बोलेंगे वो जो नंबर गिवन रहेगा वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। तो इसको मैं कैसे लिखेंगे, अगर मैं 4 से डिविजिबल लिखेंगे, सो कैन आई राइट सपोज 524 524, इसको ध्यान से देखो, अगर लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई, यहाँ पे लिखा हूँ, देखो 4 से डिविजिबल कब होगा, जब लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 होगा। देखो 24 / 4, ये डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 524 इज डिविजिबल बाई 4। अभी मैं चेक करेंगे एक नंबर फाइव से डिविजिबल कब होगा, जब उसका लास्ट डिजिट, जब हम देखेंगे उसका लास्ट डिजिट क्या रहेगा, 0 रह सकता है, नहीं तो 5 रह सकता है, तब वो 5 से मस्ट डिविजिबल होगा। तब वो 5 से सपोज 625, तो यहाँ पे लिखा हूँ, देखो इसका लास्ट डिजिट कितना है, इसका लास्ट डिजिट 5 है, तब ये किस से डिविजिबल होगा, तब ये 5 से डिविजिबल होगा। अगर इसका लास्ट डिजिट 0 रहेगा फिर भी ये डिविजिबल होगा, सपोज इफ यू एज्यूम, अगर मैं एज्यूम करता हूँ 720, देखो ये लास्ट डिजिट कितना है, 0 है, ये लास्ट डिजिट कितना है, 0 है, तो ये भी क्या होगा, 5 से मेरा डिविजिबल होगा। अभी मैं 6 का जब चेक करेंगे, एक नंबर 6 से डिविजिबल कब होगा मैं अगर चेक करेंगे, जब वो नंबर 2 और 3 से
बोथ टू एंड थ्री दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। तो ए नंबर से डिविजिबल कब होगा? जब टू से भी डिविजिबल होगा, थ्री से भी डिविजिबल होगा। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकते हैं, अगर मैं एक नंबर एज्यूम करेंगे, सपोज कैन आई राइट 912। देखो इसको ध्यान से देखो, टू से डिविजिबल का रूल मैं बताया हूँ, अगर जिसका लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 एंड 8 रहेगा। देखो यहाँ पे 2 है तो 2 से डिविजिबल होगा। इसका लास्ट डिजिट क्या है? इसका लास्ट डिजिट है 2। इसका क्या है? लास्ट डिजिट 2 है, तो इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। ये नंबर 912 डिवाइडेड बाई 2 ये डिविजिबल होगा, इसका लास्ट डिजिट 2 है। यहाँ पे अगर मैं लिखें 912, देखो इसको ध्यान से, 3 से कब डिविजिबल होगा? इसका सम ऑफ द डिजिट फाइंड कर लेंगे। इसका सम ऑफ द डिजिट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा? सम ऑफ द डिजिट 9 + 1 + 2, तो ये कितना आएगा? 9 + 1 = 10, 10 + 2 इट बिकम्स 12। कितना है ये? 12 आया है। तब इसको देखो, ये 12 किसका मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल है। तो 12 इज डिविजिबल बाई 3, तो क्या आ जाएगा? 912 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। 912 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ये एक नंबर 6 से किस तरह से डिविजिबल होगा, इसका ट्रिक्स है ये। अभी मैं डिस्कस करेंगे, जिसका लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8 होगा, तो वो नंबर होल नंबर जो टोटल नंबर रहेगा वो 8 देके डिविजिबल होगा। तभी मैं लिख सकता हूँ, कैन आई राइट 5 7 8 5 1 2। देखो यहाँ पे क्या लिखा हूँ, ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं ये मुझे चेक करना है। ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं मुझे चेक करना है। तो पहले मैं क्या लिखेंगे, इसको कैसे चेक करेंगे? देखो ये जो नंबर है 5 7 8 5 1 2, देखो इसका लास्ट जो 3 डिजिट है ये देखो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। देखो यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, देखो ये डिविजिबल होगा कि नहीं। सो कैन आई राइट 512, ध्यान से देखो, इसको अगर डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 8 × 6 = 48, सो इट बिकम्स 3। 32, 8 × 4, सो इट बिकम्स 32। देखो ये वाला डिविजिबल हो रहा है, ये जो लास्ट 3 डिजिट है 8 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा जो नंबर गिवन है ये 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अभी मुझे डिस्कस करना है 9 का सम ऑफ डिजिट। अभी 9 का एक नंबर 9 से कब डिविजिबल होगा? एक नंबर 9 से कब डिविजिबल? 9 4 6 3 5, देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, जब 3 का मैं बताया था, एक नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा? जिसका सम ऑफ डिजिट उसका फाइंड करेंगे, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो टोटल नंबर वो 3 से डिविजिबल होगा। तो इसका देखो यहाँ पे 9 लिखा हूँ, तब ये सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, इसका भी सम ऑफ डिजिट फाइंड करेंगे। तो इसका सम ऑफ डिजिट कितना आएगा? देखो इसको ध्यान से, इसका सम ऑफ डिजिट क्या लिखेंगे? इसका सम ऑफ डिजिट कितना आएगा? तो सम ऑफ डिजिट इसका यहाँ पे आएगा, देखो इसको ध्यान से, सो कैन आई राइट 9 + 4 + 6 + 3 + 5, ये कितना आएगा? देखो ध्यान से, 9 + 4 सो इट बिकम्स 13 13 + 6 19 19 + 3 सो इट बिकम्स 22 22 + 5 सो इट बिकम्स 27। अभी देखो ये 27 जो है ये डिविजिबल बाई 9 है। 27 / 9 ये डिविजिबल है, तब ये पूरा नंबर, ये जो नंबर है टोटल नंबर है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 9। अभी मैं चेक करेंगे 10, यहाँ पे लिखा हूँ 10, एक नंबर 10 से डिविजिबल कब होगा? जब उसका लास्ट डिजिट 0 रहेगा तब वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। और 12 जो लिखा हूँ, देखो इसको ध्यान से, जो 12 लिखा हूँ, अगर एक नंबर 12 से डिविजिबल कब होगा? जब वो 3 से और 4 से दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। 3 और 4 से दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। अगर मैं इस तरह से अज्यूम करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 का कॉन्सेप्ट क्या था? 3 का होता है सम ऑफ डिजिट से चेक करेंगे, और जब 4 का कॉन्सेप्ट क्या है? लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे। तो अगर मैं इस तरह से लिखेंगे, सपोज मैं एक नंबर लिखता हूँ, सपोज 24, देखो यहाँ पे ये जो 4 है, देखो 4 का क्या है? लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4 होना चाहिए। लास्ट 2 डिजिट, देखो यहाँ पे लिखा हूँ 4 का जो कॉन्सेप्ट लिखा है, एक नंबर, ये नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इज डिविजिबल बाई ये नंबर इज डिविजिबल बाई 4 व्हिच
लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाई फोर। तो यहाँ पे देखो हम 24 लिखे हैं, यहाँ पे 24 लिखे हैं, तो यहाँ पे देखो इसको मैं लिख सकता हूँ, इफ आई राइट सपोज 624, सो वेरीफाई इट, हियर आई हैव रिटन द लास्ट टू डिजिट, इफ यू वेरीफाई लास्ट टू डिजिट सो इट बिकम सम 24, सो कैन आई राइट, अगर मैं 4 से डिविजिबल चेक करेंगे, 24 डिवाइडेड बाई 4 इट इज डिविजिबल, सो ये टोटल नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल हो जाएगा, सो 624 डिवाइडेड बाई 4 ये डिविजिबल होगा। अभी मैं चेक करेंगे क्या होगा, इसका सम ऑफ द डिजिट चेक करेंगे, ये नंबर का सम ऑफ द डिजिट कितना आएगा, सम ऑफ द डिजिट कितना आएगा, 6 + 2 + 4 सो इट बिकम्स हाउ मच, 6 + 2 + 6 + 2 सो इट बिकम्स 8, 8 + 4 सो इट बिकम्स 12। देखो ये 12, अगर मैं देखो इसको डिवाइड करेंगे 3 से, देखो यहाँ पे लिखा हूँ 3 और 4 लिखा हूँ, देखो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब क्या है, 624 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तब इसको हम क्या बोलेंगे, दिस नंबर अगर 3 और 4 से अगर डिविजिबल होगा ये नंबर, तब मैं बोल सकता हूँ ये दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 12। अभी मैं लास्ट 3 क्वेश्चन डिस्कस, 3 क्वेश्चन क्या बताया है, Which of these numbers is not divisible by 3? यहाँ पे जो 5 ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे देखना है कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, इसको मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ। देखो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब मुझे यहाँ देखना है, अगर मैं इसका सम ऑफ द डिजिट फाइंड कर लेंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 339, इसका सम ऑफ द डिजिट फाइंड कर लेंगे, देखो 3 + 3 = 6, 6 + 9 सो इट बिकम्स 15, ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है। फिर यहाँ पे चेक करेंगे 3 + 4 = 2, 3 + 4 + 2 सो इट बिकम्स हाउ मच 9, तो 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। फिर चेक करेंगे 5 + 5 = 2, 5 + 5 = 10, 10 + 2 सो इट बिकम्स 12, सो 12 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। देन चेक इट टेट्रा 1, कैन आई राइट, ये क्या है 4, दिस पार्ट इज नॉट डिविजिबल बाई 3। देन चेक इट द लास्ट पार्ट 6, 7, 2, कैन आई राइट, 6 + 7 = 13, 13 + 2 = 15, देखो 15 इज डिविजिबल बाई 3। तब यहाँ पे मुझे कौन सा ऑप्शन करेक्ट मिला, यहाँ पे देखो कौन सा एक नंबर मुझे फाइंड करने के लिए बोला था जो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो कौन सा हुआ है, ए वाला टर्म जहाँ पे 4 है, यहाँ पे देखो डी ऑप्शन इज करेक्ट। अभी मैं चेक करेंगे नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन, क्या गिवन है, देखो यहाँ पे ध्यान से, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 8, 9, 3, 5, 7 टू मेक इट डिविजिबल बाय 9। ये जो नंबर है, ये जो नंबर गिवन है, इसमें कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर अगर ऐड करेंगे तब क्या हो जाएगा, वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तब यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, 5 ऑप्शन गिवन है, मुझे यहाँ से कैसे डायरेक्ट मुझे फाइंड करना है, किस तरह से मैं फाइंड करेंगे, देखो ये जो नंबर गिवन है इसको अगर मैं ये 9 से बोला है, तो 9 का रूल क्या है, सम ऑफ डिजिट फाइंड करेंगे, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो टोटल नंबर वो 9 से डिविजिबल होगा। तब यहाँ पे क्या नंबर है, 8, 9, 3, 7, 8, 9, 3, 5, 7 इसको चेक करो, इसका सम ऑफ द डिजिट कितना आएगा, इसका सम ऑफ द डिजिट आएगा, सो कैन आई राइट 8 + 9 + 3 + 5 + 7, देखो इसको ध्यान से, सो कैन आई राइट 8 + 9 = 17, 17 + 3 = 20, 20 + 5 = 25, 25 + 7 25 + 7 सो दैट बिकम्स 32, अभी देखो ये 9 से डिविजिबल कब होगा, देखो अगर मैं 33 लेंगे फिर भी वो डिविजिबल नहीं होगा, देखो यहाँ पे 1 है, 9 से डिविजिबल नहीं होगा, तो अगर 3 लेंगे 32 + 3 = 35 फिर भी डिविजिबल नहीं होगा, अगर 4 लेंगे देखो यहाँ पे कैन आई राइट 32, अगर स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे देखो यहाँ पे क्या क्या नंबर है, 1, 3, 4, 7 अगर 1 ले सकते हूँ, अगर 1 ऐड करेंगे फिर भी नहीं होगा, अगर 3 ऐड करेंगे फिर भी नहीं होगा डिविजिबल बाई 9 नहीं होगा, अगर 4 लेंगे 32 + 4 चेक इट ये कितना आएगा 36 आएगा, देखो ये जो 36 है
ये डिविजिबल बाई 9 है, 36 डिविजिबल बाई 9 है। तब यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आएगा, देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आएगा, ये वाला, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अभी ऑप्शन क्या गिवन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिजिट दैट शुड बी रिप्लेस्ड बाई स्टार इन द नंबर, ये नंबर एक गिवन है टू मेक इट डिविजिबल बाई 12। यहाँ पे इस स्टार पोजिशन पे एक नंबर मुझे ऐड करना है, स्मॉलेस्ट डिजिट ऐड करना है, जिसके चलते मुझे 12 देके वो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। अभी मैं लिखेंगे, थर्ड क्वेश्चन क्या है, 296 स्टार है और क्या है 12, इसको ध्यान से देखो। तो यहाँ पे क्या लिखा हूँ, ये ना 12 से कब डिविजिबल होगा, 12 से कब डिविजिबल होगा, इसको ध्यान से देखो। 12 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन है, अगर वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा और 4 से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा और 4 से डिविजिबल होगा, तब वो नंबर मैं बोलेंगे वो 12 से डिविजिबल होगा। तब मुझे यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये 12 से मुझे चेक करना है, 12 से मुझे चेक करना है ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं। तो अभी मैं चेक करेंगे, 3 और 4 से मुझे चेक करना है। अभी देखो जो 4 का रूल था, जो 4 का रूल था, रूल ऑफ 4, ये नंबर इज डिविजिबल बाय 4, यहाँ पे क्या बताया, अगर लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, देखो अभी लास्ट 2 डिजिट, इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है, इसका लास्ट 2 डिजिट है 12, लास्ट 2 डिजिट है 12, देखो 12 इज डिविजिबल बाय 4, तो 4 का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो 4 देखे डिविजिबल हो गया है। अभी मुझे 3 का डिविजिबल करना है, तो कैसे करेंगे, 3 का रूल क्या है, सो रूल ऑफ 3, तो इसका सम ऑफ द डिजिट फाइंड करेंगे, अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तब मैं बोलेंगे वो पूरा होल नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अगर एक नंबर 3 और 4 से डिविजिबल होगा तब मैं बोल सकता हूँ ये जो नंबर गिवन है ये 12 से डिविजिबल होगा। तो अभी मैं दिखाएंगे, यहाँ पे देखो इसका सम ऑफ द डिजिट क्या आएगा, 2 + 9 + 6, इसको मैं अगर एक से एज्यूम कर लेता हूँ स्टार पोजिशन को, वी कैन राइट स्टार पोजिशन प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ 2, ये कितना आएगा, देखो इसको ध्यान से देखो, 2 + 9 सो इट बिकम्स 11, 11 + 6 सो 17, 11 + 6 = 17, 17 + 1 = 18, 18 + 2 सो 20, 20 + ऑफ ये क्या है स्टार है। अभी मुझे यहाँ पे चेक करो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट 1 है, पहले 1 से चेक करेंगे, देखो 20 + 1 करेंगे तो देखो 21 आ जाएगा, तो 21 इज डिविजिबल बाई 3। अभी मुझे यहाँ और चेक करने की ज़रूरत नहीं, ये तो सब 1 से बड़ा है, ये नंबर 2 और 3 ये नंबर सब बड़ा है, तब मुझे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, तब स्टार का वैल्यू यहाँ पे कितना मिल जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर, पहले यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिजिट कितना मिलेगा, स्मॉलेस्ट डिजिट 1 मिलेगा, सो 20 + 1 सो इट बिकम्स 21, सो कैन आई राइट, सो 20 + 1 सो इट बिकम्स 21, सो 21 इज डिविजिबल बाय, सो कैन आई राइट 21 इज डिविजिबल बाय 3। तब यहाँ पे मुझे कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट रहेगा, तब यहाँ पे जो स्टार का वैल्यू मिलेगा मुझे, यहाँ पे जो स्टार का मुझे वैल्यू मिलेगा ये होगा 1, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ये है आज का सेशन, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके तरफ से उन्हें सपोर्ट मिलेगा और हमें भी थोड़ा प्यार मिलेगा। फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में, टेक केयर, बाय बाय।